ये देखें आपकी ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिव्यू बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, राज फूड क्रेविंग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने लगी हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2-3 प्याज नॉर्मल साइज़ के, अभी मैं इनको काटूंगी बारीक, थोड़ा बारीक काटिएगा ताकि ये मसाले में नज़र ना आए। 2 टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, इनको भी मैं बारीक काट लेती हूँ। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने, 3-4 ग्रीन चिलीज ली हैं, बटर लिया है तकरीबन 100 ml चाहिए होगा मुझे बटर, सालन मसाला है मिक्स मसाला जो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा कि मैंने घर में तमाम मसाले लेकर इनको खुद पीसा है, गरम मसाला है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, कोरिएंडर है फ्रेश आप देख सकते हैं ये गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे, ऑयल फॉर कुकिंग है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हसब ज़रूरत, सबसे इम्पॉर्टेंट माश की दाल। माश की दाल को तकरीबन मैंने 2 घंटे हो गए हैं इसको भिगो दिया था, आप देख सकते हैं ये अच्छा सा इसका जो है टेक्सचर फूल गई है ये। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप नीम गर्म पानी में, ज़्यादा गर्म ना हो नीम गर्म पानी में भी इसको भिगो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने ले लिया है कुकर, अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, ऑयल जितना आप लोगों को ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, तकरीबन 5-6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करी उसमें। अब ऐड कर देंगे हम इसमें प्याज, तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ के और थोड़े से बारीक कटे हुए। प्याज को हम कर लेंगे ब्राउन, प्याज आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा ब्राउन हमने इनको नहीं करना, इससे जो है माश की दाल का जो कलर है सालन का वो अच्छा नहीं रहता। अब ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक दो मिनट हम फ्राई करेंगे इसको। यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं कुछ 3-4 ग्रीन चिलीज, और साथ ही ऐड कर दूंगी 2 नॉर्मल साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। अच्छे से भून लेंगे हम इनको। मसाला भून लिया है आप देख सकते हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, मिक्स मसाला जिसमें सारी चीज़ें हैं, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, कसूरी मेथी आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है तो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा हम गरम मसाला 1 टेबलस्पून था लेकिन 1/2 अभी डालेंगे और 1/2 आखिर में। अच्छे से मसाले को भी भून लेते हैं हम लोग, देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है मसाले का, एक दो मिनट हम इसको और भूनेंगे। मसाला भूनते हुए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि मसाला जो है अच्छे से भुनाई हो जाए, रूम टेम्परेचर पे ये पानी है तकरीबन, तो मैंने 3-4 टेबलस्पून पानी ऐड किया है आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुना जा रहा है इसे।
मसाला हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा मसाला भुना जा चुका है। हल्का सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि मसाला जो है वो सारा मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी माश की दाल। तकरीबन 2 घंटे से मैंने इसको भिगोया हुआ था, ये मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा हम। आप देख सकते हैं कच्चे में ही इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें ये माश की दाल गल भी जाए और टूटे भी ना। तकरीबन 3 कप में पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं बस इतना पानी ऐड किया है कि माश की दाल जो है वो डिप हुई हुई है। कुकर को मैंने कर दिया है बंद, सीटी इसकी मैं लगा रही हूँ। अब हम वेट करेंगे जब तक ये बचता नहीं है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी देर हमने इसको प्रेशर कुकर में रखना है। आंच जो है, जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखिएगा, ना बहुत हाई हो ना बहुत स्लो हो। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी माश की तैयार दाल जो है वो ढाबा स्टाइल तकरीबन रेडी हो चुकी है। मैंने कुकर ओपन कर दिया था, तकरीबन 10 मिनट बाद सीटी बजने के कुकर ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं खड़ी खड़ी दाल है, हल्का से इसमें अभी पानी था तो मैंने कहा थोड़ा इसको, अभी फ्लेम ऑन है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कोरिएंडर, यानी कि धनिया, गरम मसाला जो थोड़ा सा बचा हुआ था, बटर। बटर से इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आप देखिएगा। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। फ्लेम बिल्कुल लो है, आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे हम इसको कर देंगे बंद। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माश की दाल ढाबा स्टाइल में रेडी है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें आपकी ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिव्यू बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।